दोस्तों आप ही अपने फेसबुक के जो पासवर्ड है उसको भूल गए हैं और साथ में आपको ये भी पता नहीं कि आपने जब अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था तो उस समय आपने कौन से मोबाइल नंबर या फिर कौन सी ईमेल आईडी लगाई थी। तो आज के इस वीडियो में आप इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं जिससे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो क्रोम दिया हुआ है इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है जिससे कि आप फेसबुक की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगॉटन पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड भूल गए तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यदि आपको पता है कि आपने अपना जो फेसबुक अकाउंट बनाया था उसके अंदर कौन से मोबाइल नंबर लगाए थे तो वो नंबर यहाँ पे लगा के आप अपने अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। और यदि दोस्तों वो यहाँ पे आपको याद नहीं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस एंड नेम, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यदि आपको ईमेल आईडी याद है तो वो यहाँ पे लगा के आप सर्च कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको वो भी याद नहीं तो यहाँ पे मैं एक अच्छा ऑप्शन बता देता हूँ, वो ये कि आपका जो फ्रेंड है उसका जो फेसबुक अकाउंट है वो उसके मोबाइल के अंदर ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये जो मोबाइल है वो मेरे फ्रेंड का है, मैं उसके अंदर उसका जो फेसबुक अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यदि अब यहाँ पे आप अपने अकाउंट को सर्च करना चाहते हो तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको अपना नाम लगाना है। और नाम लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो उसके अंदर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपको थ्री डॉट दिखा दे रहे हैं आप उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखे कॉपी लिंक टू प्रोफाइल, तो आपको उस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वापस आपको अपने मोबाइल के अंदर जाके उस वेबसाइट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि आपने मोबाइल नंबर लगाए तो यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी दिखाई देते हैं। और यदि दोस्तों आपने ईमेल आईडी लगाई तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दिखाई देती है। अब दोस्तों आप अपने जो पासवर्ड है वो किसके द्वारा रीसेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे अपने जो मोबाइल के द्वारा एक SMS पाना चाहता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगा सकता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे SMS का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर लगाए थे उस पर एक OTP आता है, उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने उस कोड को लगा लिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे हम अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी न्यू पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और दोबारा उन्हीं पासवर्ड को आपको लगा के यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उस पासवर्ड को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यदि फेसबुक के जो पासवर्ड है उसको भूल जाते तो आप वापस यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। थैंक यू।